संप्रदाय का सबसे बड़ा तीर्थ पन्ना में है और इनका सबसे बड़ा आयोजन शरद पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन राज जी यानी इनके आराध्य की सवारी बंगला जी से निकलकर रास मंडल पर आती है और राज जी को रिझाने रंग बिरंगे परिधानों में सजी गोपियां पूरी रात नाचती हैं। रंग बिरंगी परिधानों में गोपियां जमकर नाचती हैं। उनका मानना है कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरीके का रास पूरे ब्रह्मांड में रचाया था, उसी तरह का रास महामती प्राणनाथ ने अपने अनुयायियों के साथ पन्ना में रचाया था। वहीं रास पूर्णिमा पर खेला जाता है। राज जी को प्रसन्न करने के लिए पूरी रात संगीत और भजनों की मधुर धुन में नाचते रहते हैं। बता दें, जैसे ही देर रात सवारी निकली, प्राणनाथ जी के जयकारों के साथ पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा और माहौल भक्तिमय हो गया। इसके साथ ही देश के कोने कोने से आए सुंदर साथ यानी अनुयायी मिलकर नाचने लगे। महिलाओं ने गोपियों का रूप धारण किया। नेपाल से रास नाचने आई महिला कहती हैं कि हम रास नाचने आए हैं। रास नाचने से राजी प्रसन्न होते हैं और आनंद की अनुभूति होती है। यूं तो पूरे पड़ोसी देशों से लोग यहाँ आते हैं, पर दार्जिलिंग से भी एक बड़ा समूह इस अवसर पर आया और उन्होंने रास में हिस्सा लिया। इस अवसर पर 1 लाख से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए। यह शरद पूर्णिमा महोत्सव और रास 5 दिन तक चलेगा। प्रतिदिन पूरी रात रास रचाया जाएगा। हम उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश को, और वहाँ से हमारे जितने भी भक्त लोग आए, नेपाली समुदाय, भूटानी समुदाय, भारतीय समुदाय, इन सबको लेकर के हम पन्ना धाम आते हैं। और आज के दिन अखंड रास लीला होती है। अखंड रास लीला करने के लिए हम श्री कृष्ण को अपना पति मान करके हम सब सखियाँ इस धरती पर आई है। बुंदेलखंड की धरती में महादेव प्राणनाथ जी ने जो 400 वर्ष पहले लीला किया था, उसी लीला को पूरा करने के लिए आज पूरे देश विदेश से आप देख रहे हैं, यहाँ लाखों समुदाय में लोग आते हैं। आई हूँ मैं यहाँ, सभी सुंदर साथ अलग अलग देश विदेश से आते हैं श्री आश्रमा जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ 5 दिन तक रास खेली जाती है। अभी आश्रमा जी की सवारी यहाँ से निकलेगी। सब रंग बिरंगे वस्त्र पहन के आनंद में झूम रहे हैं। यहाँ पे सारे भक्तजन अभी इस समय यहाँ पे मौजूद है, लेकिन किसके दर्शन करने आए? सारे दुनिया में देवी देवता भगवान को मान रहे ना, लेकिन मूर्ति पूजा हो रही है। हमारे यहाँ पे मूर्ति पूजा नहीं होती है। जो यहाँ पे घूमर जी दरबार है, वहाँ पे साक्षात जो श्री मिहिराज जी थे 400 साल पहले, उनके तन में पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा आए थे। तो उनका जो ये शरीर था, वो शरीर अभी तक नाशवान नहीं हुआ। इसी के अंडरग्राउंड झूले में वो ऐसे तन में हुबहू नूरी तन में बैठे, तो उन्हीं की पूजा।